बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदेद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी गुजर रही हो मजे सुकून और खैरियत के साथ। कुछ बातें होती हैं जिनको हम सुनते हैं, सुन के बड़ी कोशिश करते हैं कि यार इधर से सुने, इधर से निकल जाए किसी तरह से, लेकिन वो निकलने के नाम नहीं लेती, किसी तरह फिट हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं हमारे अंदर। और फिर बेहतर ही होता है कि उन बातों को हम इधर से निकाल दें, इसे कि जब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जब हम उसके बारे में सोच लेते हैं तो फिर वो हमें उतनी परेशान नहीं करती। एक बहुत छोटी सी बात है शायद, ये शायद एक बहुत आम सी बात लगे आपको, लेकिन है बहुत ख़ास और बड़ी स्पेशल। उसमें सिलसिला ये कि हमारे एक बहुत मुस्तनद, हमारे एक बहुत मारूफ, हमारे एक बड़े वेल नोन इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। पिछले दिनों हमने सुना कि यूके ने उनकी एंट्री पे पाबंदी लगा दी, आपने भी सुना होगा यकीनन। और उसके बाद पूरा जो एक ट्रेल, जो पूरा एक केस और पूरा जो केस बनाया गया और पूरा जो केस डिफाइन किया गया, अगर उसे प्रोसेस करें ना तो एक लम्हे को दिल जाता है ऐसे करके हो जाने को कि हमारी फ़िरकाबंदी, हमारी आपस में एक दूसरे के साथ तासुब, हमारा एक दूसरे के साथ नफ़रत, हमारी एक दूसरे के साथ अदावत का हमारे जो दुश्मन है वो कितनी खूबसूरती और महारत के साथ फ़ायदा उठाते हैं, और हम कितनी बेवकूफ़ी के साथ अपने आप को बांटते चले जा रहे हैं ग्रोहों में, जबकि हमें कहा हुआ है कि ग्रोहों में और तफरकाबाजी में मत पड़ो और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। उस रस्सी की हमें कोई परवाह नहीं है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने मसलक की, अपने फ़िरके की, अपनी जमात की, अपने ग्रोह की बड़ी उसकी वो ज़रूरत है। इस्लाम या कुरान की बात अगर वो डिनाई हो जाए तो हो जाए, उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता शायद, लेकिन हमारी जमात की जो बात है और हमारी जो एक थॉट है वो चैलेंज नहीं होनी चाहिए। चलें, ये तो एक और कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर नहीं बात करते इसलिए कि ये जो है बात करना थोड़ा सा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है मुश्किल भी हो, तकलीफदेह भी हो मुझ समेत। लेकिन एक और जोन की तरफ चलते हैं जहाँ पर के पाबंदी लगाई गई उनकी एंट्री पे, और मुझे मज़ा आया। मैंने बस पढ़ा मैं और हंस रही हूँ और सोच रही हूँ उस दिन से कि यार देखो क्या समझा जा रहा है हमें। मतलब जब कोई आपको ये समझे ना कि आप तो बिल्कुल एवं ही हैं और आप भी कोई चीज़ है, मतलब यू डू नॉट इवन एग्जिस्ट, आप हाउ कैन यू जस्ट थिंक यू एग्जिस्ट एंड हाउ कैन यू जस्ट थिंक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ये आपको किसने बता दिया? ये खुशफहमी आपको कैसे होगी? ये इस तरह के जो डिसीजन है ना, ये इन्फोर्स करते हैं उस थॉट को जो कि ये है। फ्रीडम फ्लोटेला पे जितना बेधड़क किस्म का अटैक हुआ था, जो हमने थोड़े दिन तक शोर मचाया, और वो भी बावजूद हमने ज़्यादा शोर मचाया, वरना हम तो चूँ चरा नहीं करने वाले लोगों में से हैं। अच्छा, और वो भी अब हम भूल भाल गए और हम भूल भाल जाते हैं बड़ी तेज़ी के साथ कि शॉर्ट मेमोरी एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग है, उसके साथ ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजरती है। अच्छा जनाब, लेकिन उसके साथ एक और जो बड़ा ज़बरदस्त बात है वो ये कि कैरिकेचर्स का जब इशू होता है और जब हम उस पर ज़रा तमतमाते हैं और हम उस पर गुस्से में आते हैं और हम तैश में आते हैं कि आपकी ऐसी की तैसी, आपको किसने ये राइट दे दिया है कि आप उठकर हमारी सबसे मोहतरम, सबसे मुकद्दस, सबसे काबिले कद्र इज़्ज़त और सबसे ज़्यादा हमारी जो बुज़ुर्ग और बरगजीदा हस्ती हैं उनके बारे में इस तरह की कोई तौहीन आमेज़ हरकत करें या उनके बारे में इस तरह का कोई थाट भी लेके आएँ? और अगर ले ही आए हैं आप थाट तो उसको आप इतना प्रमोट करें और फिर उसके ऊपर आप इतना बेधड़क आपका मौका। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है जनाब, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम आजादी, वो क्या है, राय, राय की आजादी का ये दौर है। और उसी दौर में, उसी टाइम में, उसी एरा में कोई एक बंदा अगर अपनी आर्गुमेंटेशन दे रहा है जो कि प्रॉपर एक राय है, जो किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी भी एक चीज़ के ऊपर दो मुख्तलिफ लोगों की दो मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, और हमारा जो है जहाँ पर हम कहते हैं ना लिबरलिज्म, या जहाँ पे हम कहते हैं फिनेटिक ना होना, या जहाँ पर हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ना होना, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मुसलमान ना हो, बल्कि वो ये भी है वो किसी भी एक नुक्ता नज़र पर इतनी शिद्दत के साथ ना आए कि वह दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के, समझने के, तस्लीम करने के काबिल ना रहे, इससे कि दुनिया में मुख्तलिफ और मुतजाद राय के लोग एग्जिस्ट करते हैं और उन सबको उतना ही राइट है एग्जिस्ट करने का जितना कि किसी एक शख्स को है। लेकिन जनाब हमने इस डेफिनेशन को कहाँ मानते हैं? सो हम ये कहते हैं कि कैरिकेचर छापना तो हमारा राइट है, इसलिए कि आज़ादी राय का दौर है, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जो हैं वो अगर कोई कमेंट करेंगे, वो अगर कोई तबसरा करेंगे तो ये गलत है, इसलिए कि वो टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए कि वो जो है वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि हमें नागवार हैं, जो कि हमें कबूल नहीं है, और फिर हमारे साथ से भी कुछ मुसलमान साथ मिल जाते हैं, हमारी जो ग्रोहबंदी और हमारे जो मामलात हैं वो भी उसको सपोर्ट और प्रमोट करना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ दे लगती हैं ये बातें, थोड़ी सी नहीं बहुत लगती हैं तकलीफ दे, एंड आई विश कि किसी तरह से इनका कोई सोल्यूशन निकल सके। और इनका सोल्यूशन वही है जो कि अक्सर हम यहाँ से इस्लामाबाद से अगर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हों तो कायदे आज़म की एक बड़ी संजीदा सी शक्ल है जो आजकल मुझे लगता है कि रंजीदा है,
है और उसके नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इत्तहाद, ईमान, तंजीम. उसमें जो मेन फैक्टर है वो यही है कि हमारे अंदर फेथ तो हो और फिर उस फेथ के ऊपर यूनिटी हो और फिर उसके बाद हम अपने आप को डिसिप्लिन करें और तंजीम की तरफ जाएं, तो यकीनी तौर पर हमारे हालात वाकया जो हैं बेहतर हो सकते हैं.